ठीक भाई, तो आपने बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का थर्ड टेस्ट दिया होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छा हुआ होगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, टेट्रामेरस फ्लावर्स हैविंग बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी व्हिच इज यूनिलॉकुलर इन द बिगनिंग बट बिकम बाइलॉकुलर लेटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम आर द साइलेंट फीचर ऑफ द। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था जब प्रेजेंटेशन पढ़ते थे पैराइटल, वहां पर ही पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम नोन एज रेप्लम फैमिली क्रूसीफेरी, आपको याद होगी ब्रेसिक ऐसी, जहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। ऐसा देखने को मिलता है कहां पर, जैसे मस्टर्ड में। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन मोनोकॉटिलेडोनस सीड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई अ प्रोटीनस लेयर कार्ड। मोनोकार्ड सीड में एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग है सेपरेट करती है एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीन की बनी हुई लेयर से, जिसको हम कहते हैं क्या, एल्यूरान लेयर। सेकेंड का भी आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। मैचिंग का बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप आसानी से मैच करवा लिए होंगे। मस्टर्ड की फैमिली बताना है, कॉटन की फैमिली बताना है, सेजबेनिया और पिटूनिया, इन चारों की फैमिली आपको बतानी है। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि मस्टर्ड की फैमिली कौन सी होगी, बताओ जरा। मस्टर्ड की फैमिली तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिक ऐसी, तो वन में कौन सा हो गया, सी। कॉटन की फैमिली कौन सी होगी, तो आपको याद होगा अच्छी तरीके से, मालवेसी, यहाँ पर ए हो जाएगा। सिस्बेनिया की फैमिली अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे फैमिली फैबेसी, तो थर्ड में कौन सा जाएगा, डी। और पिटूनिया की फैमिली कौन सी होगी, सोलिनेसी, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक, सी ए डी बी, देखो कहा लिखा सी ए डी बी, आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, When more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, and are called apocarpus. पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक लिखा है कि ऐसी कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है, लोटस में और रोज में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि when the ovules are born on central axis and septa are absent, as in dianthus and primrose, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। पहला स्टेटमेंट भी सही लिखा है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही लिखा है कि ओव्यूल कहाँ पर लगे हैं, सेंट्रल एक्सिस पर लगे हैं, ओव्यूल कहाँ लगे हैं, सेंट्रल पर, और कोई क्रॉसवाल कोई सेप्टा नहीं पाए जा रहे हैं, कंडीशन फ्री सेंट्रल, डायंथस प्राइमरोज इसका एग्जाम्पल है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर्थ हो गया फाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है, चलो पढ़कर देखते हैं भैया। पोएसी मोस्ट एडवांस फैमिली, मोस्ट रिसेंट फैमिली कहते हैं, मोनोकार्ट फैमिली कहते हैं, पहली बात बिल्कुल सही लिखी। कंपोजिटिव में लिखा है कि बाइकार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी विथ बेसल प्लेसेंटेशन, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। मालवेसी मोनो एडल्फस कंडीशन है, सारे फिलामेंट एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेमिनल ट्यूब, और मोनोथिकस कंडीशन पाई जाती है, कोई बात गलत नहीं लिखी, तो फाइव का आंसर सही हो जाएगा कौन सा, फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फैमिली क्रूसीफेरी, फैमिली क्रूसीफेरी कह दे, फैमिली ब्रेसी कैसी कह दे, बात एक ही है। हमने कहा था पहचानने का तरीका है हमेशा गाइनोसियम से पहचानना शुरू करो। क्रूसीफेरी में बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर हो रही है, यहाँ तो ट्राइकार्पलरी, ये हो नहीं सकता। इसमें भी ट्राइकार्पलरी है, ये भी नहीं हो सकता, पहला चौथा तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, इन दोनों में बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर हो रही, स्टामेन भी एक जैसे 2+4 2+4 टेट्राडर्मस कंडीशन होती, ये भी सही लिखा। पेटल्स चार होते हैं, चार दोनों जगह लिखा। अच्छा, सेपल यहाँ पर एक वर्ण में दिखाए गए, यहाँ पर दो वर्ण। हम जानते हैं इस फैमिली में जो सेपल्स है 2+2 होते हैं, दो वर्ल में होते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सिक्स का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीफ इज अटैच टू स्टेम बाई लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ के बगल में
दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम स्टिप्यूल कहते हैं। सेवन का सही आंसर थर्ड हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल आर पेटल इन फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल के अरेंजमेंट को पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू अदर अपेंडेजेस, एस्टिवेशन कहलाएगा। 8 का आंसर सही सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इपीगाइनस कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई, सेपल पेटल और स्टामेन ऊपर है, कार्पेल या गाइनोसियम नीचे है, ओरी नीचे है, और इपीगाइनस कंडीशन गुआवा कुकुम्बर एंड रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, यहाँ कुकुम्बर दिया है। 9 का सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इन मोनोकोटिलेडंस द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली आर, पूरी तरीके से। पहली बात बिल्कुल सही लिखी है कि मोनोकॉट में लीफ बेस एक्सपेंड कर जाएगा, स्टेम को पार्शियली या पूरी तरीके से कवर्ड कर लेगा। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड पल्विनस, ये बात भी सही है। फ्लावर विद ब्रैट, ब्रैट क्या है, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडसिल, ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टीएट कहते हैं। सारी बातें सही हैं, सारी सही, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही लिखी है, चलो पढ़ते हैं। कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, लीव की सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं और अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर में, इसका मतलब ये है कि जो ओल्डेस्ट लीफ है वो बेस की तरफ होगी और यंगेस्ट लीफ टुवर्ड्स एपेक्स होगी, ऐसा अरेंजमेंट एक्रोपेटल, बिल्कुल सही लिखा। अ फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ये बात भी सही लिखी है। तीसरा है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस, सारी बातें सही लिखी हैं, तो 11th का भी सही आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, फोर्थ हो जाना चाहिए। 11th का भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पहला ऑप्शन है ग्राउंड टिश्यू, दूसरा कंजक्टिव टिश्यू, तीसरा बार्क, चौथा स्टील। तो हमने सुन रखा था कि जो कुछ भी इंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो सब क्या बनाएगा, स्टील बनाएगा। 12 का आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13, लाइक मैच्योर मेमेलियन आरबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल इज लिविंग बट विदाउट न्यूक्लियस, सीव सेल में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट पहला आपके सामने है कि वेंस प्रोवाइड रिजिडिटी मजबूती टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल एंड फूड, पहली बात बिल्कुल सही है। लीफ जो वेंस वेनलेट हैं ये मजबूती भी देते हैं और चैनल के तौर पर काम करते हैं, पानी भोजन इत्यादि एक प्रत्येक पत्ती के पार तक पहुंच जाए। दूसरा स्टेटमेंट है, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीवलेट ऑफ कंपाउंड लीफ, एकदम सही बात है। पत्ती चाहे सिंपल हो या फिर पत्ती कंपाउंड हो, किनारे पर बड पाई जा सकती है, ये एकदम सही बात है, लेकिन जो लीफलेट होते हैं उनके किनारे पर ये बड नहीं पाई जाती। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों सही हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला 14 का राइट आंसर पूछा जाए तो आप फर्स्ट बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 पर जब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन है द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात बिल्कुल सही लिखी है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, दूसरी बात है, अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडसिल, इसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं, थैलमस कहते हैं, ये बात भी सही है। इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट अलग अलग डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ, सारी बातें सही हैं।
तो 15 का सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो सही नहीं लिखी है। चलो पढ़ते हैं, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिंबल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट कैप कहते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। द स्टेम इज डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, स्टेम कहां से निकलेगा भैया, तो स्टेम तो प्लम्यूल से निकलता है, रूट तो रेडिकल से निकलती है, मतलब सेकंड भी सही है। और फैमिली पॉइसी ग्रामनी में हम पढ़ते हैं कि पेरियंथ इज इक्वेलेंट टू लॉडिक्यूल्स, तीनों बातें सही है, कोई बात गलत नहीं लिखी, इनकरेक्ट पूछा था, कोई गलत नहीं, आंसर फोर्थ होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, और यहां पर आप आसानी से पहचान सकते हो, ये जो पहली कंडीशन है, यहाँ वैस्कुलर बंडल आपको रेडियल टाइप के दिखाए गए, और रेडियल टाइप के वैस्कुलर बंडल रूट में होते हैं। यहाँ पर कंज्वाइंट कंडीशन है, फ्लोएम दोनों में किसी एक साइड है, आउटर साइड दिख रहा, अच्छा जाइलम अंदर की तरफ है, यहाँ पर ये कंडीशन कैसी है, कंज्वाइंट दोनों में, और कोलेट्रल भी कह दें, सेम रेडियस पर है, फ्लोएम किसी एक साइड पर है, यहां पर भी हम कह सकते हैं कि कंज्वाइंट कंडीशन है, और कैसी कंडीशन है, सर्कोलेटरल कंडीशन है। अब देखो दोनों में, इस वाले डायग्राम में कैम्बियम बना हुआ है, ये सेकंड नंबर का डायग्राम है, यहां पर कैम्बियम है, तो ये ओपन टाइप का कहलाएगा, यहां पर कैम्बियम नहीं है, ये क्लोज टाइप का कहलाएगा, ऐसी कंडीशन। ये दोनों स्टेम के हैं, लेकिन ये देखने को मिलेगा डाइकॉट स्टेम में, और ये देखने को मिलेगा मोनोकॉट स्टेम में, ठीक। अब देखो, पहला रेडियल लिखा है, चलो पहला रेडियल है पहले ऑप्शन में, दूसरा कंजॉइन कोलेट्रल क्लोज, ये गलत हो गया क्योंकि सेकंड वाला तो ओपन टाइप का है, रेडियल रूट कंजॉइन कोलेट्रल ओपन, डाइकॉट स्टेम कंजॉइन कोलेट्रल क्लोज, मोनोकॉट स्टेम बिल्कुल सही लिखा है, तीसरा कंजॉइन कोलेट्रल क्लोज, नहीं भैया गलत हो गया, ओपन टाइप को होना चाहिए था, रेडियल लीफ रूट में पाए जाते हैं, आंसर होगा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पहला है कि पैलिसेड टिश्यू इज प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस इन मोनोकॉट लीफ, पहली बात तो याद रखना कि मोनोकॉट लीफ में पहले से मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होती, इस ऑप्शन को हटा दो, क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था। दूसरा है इन डाइकॉट लीफ वैस्कुलर बंडल कैन नॉट बी सीन इन द वेन्स एंड वे मिडरिब, ये भी गलत, अरे पूरे पत्ती में फैले रहते भैया, डाइकॉट लीफ हैव कंजॉइंड कोलेटरल एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, 18 का एकदम सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा बताओगे, थर्ड वाला बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, और 19 नंबर सवाल आपके सामने है, अच्छा 19 तो वहीं पर लिखा था नीचे, 19 नंबर सामने है, 19 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है, और पढ़कर आपको बताना है कि कैस्पियन स्ट्रिप स्टार्ट सीट पैसे सेल दीज आर रिलेटेड टू इंडोडर्मिस, किससे रिलेटेड है, तो 19 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 का सही आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, स्कैटर्ड ओवल शेप वैस्कुलर बंडल विद स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल सीट, ऐसा तो देखने को मिलेगा कहां पर, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, अच्छा रूट तो वैसे भी नहीं होगा, रूट वाले ऑप्शन दोनों हटा दो, यहां तो रेडियल टाइप के होते, या तो डाइकॉट स्टेम या तो मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट में तो रिंग में होते हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा 20 का फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है कि कंजॉइन कोलेट्रल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल, कंजॉइन कोलेट्रल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल विद इंडार्क प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम किधर है, फर्स्ट फॉर्म जाइलम किधर है, इनसाइड है, अंदर की तरफ, बताओ कंजॉइन कोलेट्रल कह दिया तो रूट के दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हमने काट दिए, रूट तो हो ही नहीं सकता, आगे जोड़ दिया क्या, क्लोज टाइप के, डाइकॉट स्टेम नहीं होगा, क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम होगा, 21 का आंसर सही हो जाना चाहिए, कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर, स्टेटमेंट का सवाल है आपके सामने, कौन सी बात सही है ऐसा बताना है, पहला स्टेटमेंट लिखा है
कि पहला स्टेटमेंट लिखा है मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी पहला स्टेटमेंट। दूसरा पढ़ते हैं इन सम प्लांट लाइक ग्रास मोस्टेरा एंड मस्टर्ड रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। मस्टर्ड नहीं होगा, मस्टर्ड में तो रूट रेडिकल से निकलती है, मस्टर्ड नहीं होगा, ग्रास मोस्टेरा बनियाइन वहां पर लिखा था। खैर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाना चाहिए 22 का, कौन सा 22 का सही आंसर होना चाहिए, कौन सा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये भैया बड़ा ही आसान सवाल है और यहाँ पर आपको पहचानना है इस डायग्राम के बारे में। पहली बात तो ये पहचान लो कि ये मोनोकॉट लीफ का डायग्राम है। सर कैसे पहचान ले? अरे देखो पैलिसेड स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट नहीं है, सारी सेल एक जैसी दिख रही, तो आप डाइकॉट लीफ वाले दोनों ऑप्शन को तो वैसे ही हटा दो। यहाँ पर देखो डाइकॉट लीफ का ऑप्शन एक लिखा था, हमने हटा दिया, सेकंड तो हो नहीं सकता, एक तीन चार हमारे पास बचे। सर ये बताना है एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है और चार क्या है, एक दो तीन और चार के बारे में आपको बताना है। अच्छा जी, एक नंबर पर जो दिखाया गया वो क्या है बताओ, जाइलम। एक नंबर पर क्या है, एक नंबर पर जाइलम, यहां पर भी, यहां पर भी एक नंबर पर जाइलम, यहां पर भी एक नंबर पर जाइलम, यहां पर भी एक नंबर जाइलम। तो अब जाइलम से तो नहीं पहचान पा रहे। नंबर दो पर चलते हैं, और दो नंबर पर दिखाया गया यहां पर मेसोफिल सेल को, इसको दिखाया गया मेसोफिल सेल। चलो ऑप्शन चेक करते हैं भाई, दो नंबर पर मेसोफिल सेल दिखाई गई, यहां पर भी मेसोफिल, यहां पर भी मेसोफिल, ये भी पहचान नहीं आ रहा। अब या तो तीन और चार से पहचानने की बारी आई। तीन नंबर देखो, ये आप सब स्टोमेटल कैविटी दिखाई गई, क्या दिखाया गया, सब स्टोमेटल कैविटी दिखाई गई है, सब स्टोमेटल कैविटी। चलो चेक करते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी यहां पर भी है, यहां पर तीन नंबर फ्लोएम घटाओ, तीसरा भी ऑप्शन हट गया, चौथे चलो चेक करते हैं, चौथे पर तीन नंबर पर फ्लोएम को दिखाया गया, ये भी नहीं हो सकता। तो बताओ इस क्वेश्चन का, अच्छा तीसरे में अच्छा चार नंबर पर सब स्टोमेटल कैविटी यहां पर भी दिए, तो तीसरा भी हमें देखना पड़ेगा। अब हमें बस एक बचा है खाली, कौन सा नंबर तीन चेक करने के लिए। दो ऑप्शन हमने हटा दिए थे क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा था, स्टोमेटा लिखा था, तो चौथा नहीं है, चौथा हट गया और दूसरा हट गया पहले और तीसरे में। और चेक करने के लिए कौन सा पॉइंट बचा है, तीसरा एबैक्सियल एपिडर्मिस दिया है ना भैया, तीसरी बात तो फ्लोएम के लिए कही गई है। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये किसको बता रहा है, फ्लोएम को बता रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 24 पर, और 24 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ एंड मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट यूजली कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा। अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा भी होगा और आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी पेज नंबर 72 पर कि कार्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ या मेडुलरी रे की बात करें, चाहे वो प्राइमरी स्टेम में या रूट में, वो किससे बने होते हैं, पेरेन्काइमा से। क्वेश्चन नंबर 25, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड ऑल टिश्यू, सभी टिश्यू ग्राउंड टिश्यू में आते हैं, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल। 25 का आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मैचिंग का आसान सा सवाल, फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा कहां पर अब्सेंट होगा। तो हम सबको ये बात पता है, हम सबको ये बात पता है कि मोनोकॉट स्टेम में, कहां पर, मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाए जाते, तो एक कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। पिथ अब्सेंट या बहुत कम, इनकॉन्स्पिशियस शब्द लिखा होगा वहां पर, ऐसा देखने को मिलता है कहां पर, डाइकॉट रूट में, बी का पहला, बुली फॉर्म सेल मोनोकॉट लीफ में पाई जाती है, सी का हो जाएगा कौन सा, सेकेंड, और कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिज, ऐसा तो देखने को मिलता है
डाइकॉट स्टेम में इसका थर्ड हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। और सही आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 27। ये भी मैचिंग का सवाल है। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, इपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, स्टोमेटा गार्ड सेल से रिलेटेड है, बुलीफॉर्म सेल एम्प्टी कलरलेस सेल है, तो ए का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बी में फोर्थ हो जाएगा, सी में फर्स्ट हो जाएगा, डी में सेकंड हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। 27 का सही आंसर पहला। 28, इन बिटवीन द वैस्पर बंडल देर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच कॉन्स्टिट्यूट। आपने पढ़ा होगा कि वैस्पर बंडल के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं जो रेडली प्लेस्ड होती हैं, और उनको हम कहते हैं मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं भाई? एनसीईआरटी के पेज नंबर 76 पर आप जब पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर इन लाइंस का जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एसर्शन है द रूट्स हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। बिल्कुल सही बात लिखी। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। ये बात भी सही लिखी है, एसर्शन भी सही लिखा है और रीजन भी सही लिखा है, लेकिन दोनों का कोई बढ़िया तालमेल नहीं बैठ रहा। आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, विच कैरेक्टर फॉर डाइकोटिलेडन्स लीफ इज इनकरेक्ट फ्रॉम गिवन कैरेक्टर। ये कैरेक्टर आपको पढ़कर बताना है। बड़ा सवाल है कि कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप जवाब दो, फिर हम आपको बताते हैं भाई। कर लिया होगा। क्वेश्चन पूछा था डाइकॉट पट्टी के लिए और कौन सी बात इसमें से इनकरेक्ट है, ये पूछा था। चलो लोग चेक करते हैं। द एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब डाइकॉट जब पत्ती की बात करते हैं तो वहां पर लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं अपर एपिडर्मिस की तुलना में, और एबेक्सियल का मतलब ही लोअर एपिडर्मिस है और एडेक्सियल का मतलब अपर एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। दूसरा, मेजोफिल हैज टू टाइप ऑफ सेल, पैलिसेड पैरेन्काइमा स्पॉन्जी, ये बात बिल्कुल सही लिखी। थर्ड, एपेक्सली प्लेस्ड मतलब लोअर एपिडर्मिस, एपेक्सली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, अरे गलत, जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो एडेक्सियल सरफेस की तरफ होती है, इनकरेक्ट पूछा था, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कौन सी बात सही एक्सप्लेन करेक्ट स्टेटमेंट है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिस कोरोला एंड एंडोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी एंड थैलेमस द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपिगाइनस। बिल्कुल सही बात है, ओवरी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर अपेंडेजेस, इस आधार पर फ्लावर को हम बांट सकते हैं 3 भागों में, हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपिगाइनस। दूसरा, इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट। दोनों बातें सही, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल्स ओवरलैप द टू लेटरल इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल इंक्लोजिंग स्टामेन एंड पेस्टिल दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज प्रेजेंट इन फैमिली फैबेसी पैपिलियोरेसिना, वहां एग्जाम्पल पी होगा। 32 का से थर्ड आंसर, ब्रिंजल फैमिली सोलेनेसी और फैमिली सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला आपको पहचानना है। सर जब फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं, हमने कहा कार्पेल से देखो, तो फैमिली सोलेनेसी में बाई कार्पलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी, यहाँ ट्राई कार्पलरी दिया होगा नहीं, पेंटा कार्पलरी भी नहीं होगा, यहाँ तो सिन कार्पस नहीं बल्कि एपोकार्पस कंडीशन है, पेंटामेरस दिख ही रहा, इपिपेटलस कंडीशन, यहाँ इपिपेटलस भी नहीं दिखाया गया था, तो आंसर 33 का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मिस स्टोमेटा ट्राइकोम हेयर सारे होंगे, आंसर फोर्थ,
द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, जहां पत्तियां निकले उसको हम नोड कहते हैं, जबकि व्हाइल इंटर नोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड। तो नोड, इंटर नोड और नोड, नोड इंटर नोड और नोड, नोड इंटर नोड नोड, आंसर 35 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग कैरेक्टर आर नॉट एप्लीकेबल टू द फैमिली सोलनेसी, कौन सी बात एप्लीकेबल नहीं है किस फैमिली के लिए, सोलनेसी के लिए। पहला एपिपेटलस कंडीशन है, परसिस्टेंट कैलिक्स है, बिल्कुल सही लिखा है। स्टैमेंस आर अटैच्ड विद पेटल एपिपेटलस, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी विद एक्साइल प्रेजेंटेशन, सही लिखा। स्टामेन 6 नहीं होते, स्टामेन 5 होते, यही आंसर गलत हो गया, आंसर थर्ड हो जाएगा। बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, सही लिखा। अ कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट है तो रूट हटा दो, और फिर ओपन टाइप का लिख दिया तो मोनोकॉट स्टेम भी नहीं होगा, आंसर 37 का 4 डाइकॉट स्टेम। 37 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 का सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। हाउ मेनी सूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू प्रेजेंट इन ट्रीज ऑफ प्लांट, चार ब्रांचेस है, स्टेम है जिस पर ब्रांचेस कितनी है, चार, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच और चार, ये तो मेन स्टेम हो गया। तो लिखा है कि हाउ मेनी सूट एपिकल मेरिस्टेम, एक दो तीन चार और ये वाला भी तो है पांच, आंसर कौन सा है 38 का थर्ड। नेक्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड मोनो एडल्फस कंडीशन ऑफ स्टामेन, चाइना रोज एपिकैलिक्स की भी बात कर रहे हैं, एपिकैलिक्स की भी तो बात कर रहे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चाइना रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही। इट इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजर। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म, ये लाइन में फालतू दी थी, अब देखो, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, 40 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन फैमिली फैबेसी फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, बिल्कुल सही लिखा है। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अदर, ये भी सही लिखा। इन सोलेनम इनफ्लोरसेंस इज साइमोस टाइप, सारी बातें सही है, आंसर फोर्थ हो जाएगा। 42। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के लिए और किसके लिए, सिट्रस के लिए, पॉलीएडल्फस कंडीशन ना, पॉलीएडल्फस फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ एंड ट्राइमेरिस फ्लावर फैमिली लिलिएसी में, बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी इनमें कहां पर पाई जा रही, फैबेसी में मोनोकार्पलरी कंडीशन, ये नहीं होगा, पहला तीसरा दोनों सही है, 44 का आंसर फोर्थ हो जाएगा, 44 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, ऐसी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है, और कहां पर देखने को मिलेगी, सन हम सोयाबीन मटर फैमिली फैबेसी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, आंसर टोबैको फैमिली सोलनेसी। क्वेश्चन नंबर 46 पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय फ्लोरल फार्मूला, सेक्सुअलिटी हाँ बताता है, सिमेट्री को बताता है, एडेशन को बताता है, एस्टिवेशन को एक्सप्लेन नहीं करता फ्लोरल फार्मूला का भी। क्वेश्चन नंबर 47। इन मोनोकॉटिलेडन प्लांट जैसे वीट, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट, ऐसी रूट बनाती है फाइब्रस रूट। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, डायएडल्फस एंड्रोसियम एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन फैमिली, जाइगोमॉर्फिक देखते ही समझ गए फैमिली फैबेसी को, मेंबर इसमें ढूंढ लो। क्वेश्चन नंबर 49। सवाल है, इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, द रेक इज विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ लीफ एज इन पिनेटली कंपाउंड, बताओ पिनेटली कंपाउंड कहां पर, नीम,
पामेटली कंपाउंड, सिल्क कॉटन, मैंगो सिंपल लीफ। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पैरेलल विनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकॉट, एकदम सही लिखा है। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट प्रोसेस रेटिकुलेट विनेशन, ये भी सही लिखा। स्टराइल स्टेमेंट को स्टेमिनोड कहते हैं, सारी की सारी बातें सही हैं। आंसर कौन सा जाएगा? 4। तो 1 से लेकर 50 तक हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन किए, उम्मीद है कि आपके कुछ ज्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51।